आज हम लोटस के सीड से जर्मिनेशन कैसे करें वो सीखेंगे। लोटस के सीड का जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो इसको जर्मिनेशन फास्ट करने के लिए सीड को सैंड पेपर में घिसना पड़ेगा। इसका पॉइंटेड साइड जो है, ये जो है पॉइंटेड साइड आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंटेड साइड को हमें घिसना होगा सैंड पेपर में। घिसने के बाद आप इसमें एक वाइट पोर्शन देख पाएंगे। ये वाइट पोर्शन दिखने के बाद आप इसको रब करना बंद कर दीजिए। इसके बाद किसी भी ग्लास और बोल में पानी लेकर इसमें डाल दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये 12 दिन के बाद का ये प्लांट है। अब हम इसे पॉट में प्लेस करेंगे। इसके लिए हमने एक प्लास्टिक पॉट ले लेंगे। और ये है काऊ डंग, जिसको हमने पहले से ही पाउडर करके रखा है। इसे पहले बेस में हम डालेंगे पॉट के। अब बेस में डालने के बाद ये हमने सॉइल मिक्स तैयार करके रखा है 3 से 4 दिन से पहले, पानी में भिगो के रखा है। इस मिट्टी को, सॉइल मिक्स को, अब हम काऊ डंग के ऊपर डाल देंगे चारों तरफ से। मिट्टी अच्छी तरह प्लेस करने के बाद अब हम एक एक करके जो सीड है उसको डाल देंगे। पहले एक छोटा सा होल करेंगे, उसके बाद एक एक सीड उसमें अच्छी से डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जिसके लिए हम लोग पहले एक प्लेट का सपोर्ट ले लेंगे। कोई भी आप छोटा या बड़ा कोई भी प्लेट ले लीजिए, जिससे कि पानी जो है आपका डायरेक्टली मिट्टी पे ना गिरे, क्योंकि इससे क्या होगा, डायरेक्टली पानी मिट्टी में गिरने से आपके सीड्स जो है वो बाहर आ जाएंगे।